विधायक कौन है आपके? तेज प्रताप था पहले, अभी कौन है? तेज प्रताप था पहले अभी अभी नहीं है, अभी तो अलग से चल गए हैं। तो कहाँ चले गए? वो सुनते हैं समस्तीपुर जिला में। हाँ, हसनपुर सीट। अच्छा, जानकारी है आपको? जानकारी कैसे नहीं है, हम लोग का विधायक था यहाँ का। विधायक था नहीं, अभी भी विधायक है। हाँ, हाँ, अभी भी विधायक है। तेज प्रताप यादव को जानते हैं? उधर आल थी ना, कहाँ तो चल गए थी। हम कहाँ आए, कहाँ चले गए, पता नहीं चला ना। है कौन है आपके? विधायक तो लालू जी के लड़का है। काम क्या है? रोड टाइट रखते हैं और तो कोई काम नहीं किए। वो टाइट रखते हैं रोड? हाँ। तेज प्रताप काम लायक आदमी नहीं है। अच्छा, काम लायक आदमी नहीं है। वो नहीं, दावा तो बहुत चीज का करते हैं। दावा शिक्षा विभाग का देख लीजिए ना। कभी शिव जी बनते हैं ना जी, बनते हैं। कभी हो जाते हैं, कभी शंख बजाते हैं, कभी कृष्णा जी हो जाते हैं। कौन सा अच्छा लगता है आपको? हमको तो दोनों में से कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तेज प्रताप नॉर्मली अच्छे लगते हैं आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, तेज बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारण है। महुआ विधानसभा में हम मौजूद हैं। महुआ बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है बिहार के सभी विधानसभाओं में। कारण है, यहाँ से जो विधायक हैं वो राजद घराने से हैं। लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव इसी क्षेत्र से विधायक हैं। यहाँ की जनता ने उन्हें 2015 में वोट दिया और उन्हें जिताया। बात करें अगर यहाँ के विधानसभा का, तो 2000 से लेकर 2010 तक यहाँ पर राजद से विधायक हुए श्री चंद्र राम यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद रविंद्र राय यहाँ पर NDA से विधायक हुए। कितना काम किया गया है तेज प्रताप के द्वारा उनके विधानसभा में। डेवलपमेंट तो यहाँ पर हम जब आए हैं, रोड बहुत अच्छा दिखाया है हमें। मुख्य मार्केट है ये, गोलंबर है, जहाँ से चारों तरफ रास्ते निकलते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये समस्तीपुर की तरफ निकल जाता है। वैशाली जिला का ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है पूरे बिहार का। आपका क्या नाम हुआ भैया? रामबाबू राय। रामबाबू राय यहीं से हैं? हाँ। विधायक कौन है आपके? तेज प्रताप। जानते हैं तेज प्रताप को? हाँ। देखे हैं कभी? देखे हैं। आए हैं यहाँ पर? हाँ, आए हैं। कैसा काम किए हैं? ठीक किए हैं। हाँ? ठीक किए हैं। वोट देना है इस बार? देंगे। लालू प्रसाद यादव अभी नहीं है? नहीं है, उससे क्या मतलब। तेजस्वी यादव है? हाँ, तो तेजस्वी यादव नहीं ना, यहाँ से तो विधायक तेज प्रताप है। तो मिलेगा उसी को। चलिए, अब मिलेगा तब ना जब यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। सीट छोड़ रहे हैं? सीट छोड़ रहे हैं, तैयो उन्हीं को पार्टी को मिलेगा। राजद को ही करना है वोट, चाहे तेज प्रताप रहे, तेजस्वी रहे, कोई भी रहे। कोई रहे। कैसा काम किया गया? सड़क तो अच्छा बनाया है। बनाया हुआ है इसी का, तेज प्रताप का। तेज प्रताप का बनवाया हुआ है। हाजीपुर से जो सड़क है बहुत अच्छा बनवाया है। हाजीपुर से जो सड़क आता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। फतेहपुर वाला रोड वही बनाया है। फतेहपुर वाला रोड भी वही बनाया है। हाँ। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। नाम हमार सीताराम है। हम ना उस बता। सीताराम आपका नाम है? हाँ। वोट किसको दिए थे पिछला बार? वोट के हम दे दिए। वोट के हम कला कहे हमारा वोट जहाँ मिले। तेज प्रताप यादव को जानते हैं? उधर आल थी ना, कहाँ तो चल गए थी। हम कहाँ आए, कहाँ चले गए, पता नहीं चला ना। कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी शिव के कुलता है। कल थी तो हम सब कथित चीनी। चलिए ठीक है, ठीक है, इतनी जानकारी नहीं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? सागर महतो। सागर महतो यही वैशाली से हैं? हाँ, यही महुआ से हैं। गद्दोपुर। ठीक है, आपके विधायक कौन है? विधायक कौन है आपके? विधायक तो लालू जी के लड़का है। लालू जी का लड़का है, कौन, छोटे वाले की बड़े वाले? बड़े वाले। क्या नाम है उनका? तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव। कभी मिले हैं उनसे, देखे हैं उनको? नहीं, हम नहीं मिले। मिले नहीं हैं? नहीं। अच्छा, आप बहुत तरह का वेश बदलते रहते हैं, कभी शिव जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, पता है ये सब आपको? नहीं, हमको पता नहीं। सब नहीं पता है आपको? सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं? देखिए, बिहार में बड़ी आबादी ऐसी है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करती है। बताइए, काम कैसा किया गया है आपके क्षेत्र में? ये तो पता होगा, आप यहाँ के लोकल हैं। काम क्या है? रोड टाइट रखते हैं और तो कोई काम नहीं किए। वो टाइट रखते हैं रोड? हाँ, रोड को टाइट रखते हैं। बिजली रहता है आपके क्षेत्र में कि नहीं? बिजली हमेशा नहीं रहता है। कितना देर कटता है? 24 घंटा में 8 घंटा रहता है, बाकी 8 घंटा रहता है। 16 घंटा कट जाता है? 16 घंटा कट जाता है। 16 घंटा लाइन कटता है? कटता है, दिन रात में मिलाकर 16 घंटा नहीं रहता है, 8 घंटा रहता है। देखिए, हमने बहुत से विधानसभा में ये शिकायत सुनी है, चाहे वो अरवल हो, कुर्ता हो, जहानाबाद हो, या फिर ये महुआ विधानसभा, बिजली की समस्या बहुत आम है बिहार में, लाइन कट रहा है। अच्छा, आपका अस्पताल कैसा है? सदर अस्पताल? सदर अस्पताल ठीक है। ठीक है, अस्पताल की व्यवस्था ठीक है? हाँ, ठीक। अच्छा, इस बार तेज प्रताप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, तो जो पार्टी का टिकट मिलेगा उनको वोट दिया जाएगा। तो आपका सीट क्यों छोड़ रहे हैं? जनता यहाँ से क्यों जनता काम नहीं किया, इसलिए सीट छोड़ रहा है। काम नहीं कर रहा है, जनता उनको निगलेक्ट करता है, जनता यहाँ का निगलेक्ट करता है। तो किसको मिलना चाहिए टिकट? जो यहाँ
अब काम तो करने वाला है यहाँ। नीतीश कुमार की तेज प्रताप? नीतीश कुमार तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी नहीं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम तो उमेश पटेल हुआ। क्या नाम हुआ? उमेश पटेल। उमेश पटेल कहाँ से हैं आप? कौन हम? तो झंडा से। अच्छा, महुआ विधानसभा से हैं। विधायक आपके तेज प्रताप यादव हैं? हाँ, यहाँ का विधायक हैं। चलिए, कैसा काम किया गया है इस क्षेत्र में? तू तो गाय तब से आए भी नहीं। गाय तब से आए नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम में आए, फिर आए नहीं है। उसके बाद आज तक नहीं आए कभी? आते जाते तो बड़का लोग के पास, गरीब को कौन देखता है? गरीब को कौन देखता है बताइए ना। गरीब को कौन मिलता है कभी? लालू प्रसाद यादव मिला करते थे कि नहीं? वो कभी कभी आते थे, लेकिन काम जो किए हैं अभी नीतीश कुमार रोड के विषय में बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, इस बार अगर नीतीश कुमार के विधायक यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनके जो लोग होंगे तो वोट देंगे? हाँ, तो नीतीश कुमार तो जीतेगा ही। तेज प्रताप को 10 में कितना अंक दीजिएगा उनके काम के लिए? देखिए, तेज प्रताप काम लायक आदमी नहीं है। अच्छा, काम लायक आदमी नहीं है वो? अच्छा, आप देखे हैं कभी शिव जी बनते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं? वो तो नहीं देखे हैं। देखिए, हमारा काम, हम तो ड्राइवरी करते हैं, 12 जगह घूमते हैं, ठीक है, और उम्र भी बहुत हो गया। लेकिन वो जो अब आए एक दफे, फिर दोबारा नहीं आए। दोबारा कभी नहीं आए? आए आए होंगे तो चुप से। आप तो सीटें छोड़ रहे हैं? हाँ, आप सीटें छोड़ रहे हैं तो अब तो उनका बातें नहीं है। अब तो बातें नहीं है उनका। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजकुमार राय। राजकुमार राय यहीं से हैं आप? जी, यहीं से। चलिए, तेज प्रताप यादव को तो जानते होंगे? हाँ, जानते। वोट दिए थे पिछला बार यहाँ का जनता? दिया था वोट? हाँ, दिया था। कितना बार आए हैं, कैसा काम किए हैं, बिजली कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है आपके यहाँ? ऐसे वो आए हैं तो नहीं यहाँ पर, लेकिन काम जो करके चले गए एक एक चीज के लिए। कौन सा काम? वो मेडिकल के लिए जो काम किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री थे? हाँ, और सबसे बड़ा काम करके किए महुआ के लिए। अच्छा, महुआ में 24 घंटा में 16 घंटा लाइन कटता है, सही बात है? नहीं, अभी तो बाबा फिर कहाँ चले गए, वो बोल रहे थे कि वे लाइन कटा रहता है। ऐसा ऐसी बात नहीं है, एक आधा घंटा दो घंटा कटता है लाइन, ऐसी बात नहीं है। तो तेज प्रताप, आप लोग क्यों उनको नाराज कर दिए, वो सीटें छोड़ दिए, अब जा रहे हैं वो हसनपुर से लड़ने, समस्तीपुर? और कहाँ से लड़े, लेकिन हम लोग के लिए तो ये काम करके गए हैं, और तो विशेष कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन वो काम बहुत बड़ा करके गए। बहुत बड़ा काम कर दिए। हाँ, सड़क भी आपका अच्छा मिला है हाजीपुर? हाँ, सड़क का भी काम। कौन बनवाया सड़क, नीतीश कुमार का कि तेज प्रताप? अब ये तो हमें बताएंगे कोई बनवाए हैं ऐसे। और क्या क्या अच्छा काम किया गया तेज प्रताप के द्वारा? तेज प्रताप के द्वारा तब एक ही काम देखे हैं जो अच्छा। चलिए, तेज प्रताप और तेजस्वी, तेज प्रताप और तेजस्वी में बढ़िया नेता कौन है दोनों? उनको छोटा भाई सबसे अच्छा, छोटा भाई तेज प्रताप। अच्छा, तेज प्रताप को आप देखे हैं शिव जी बन जाते हैं कभी? ओ, बाल जटाधारी हो जाते हैं, शंख बजाने लगते हैं, आप देखे हैं? कैसा लगता है वो? लगता है वो अपना भेष में चलते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए तो उनको चाहिए यहाँ आना काम करने के लिए, वो भेष अपना हो जाते हैं। ऐश्वर्या राय का मामला भी बहुत गर्म है बिहार में, जो उनका तलाक का मामला चल रहा है। वो तो पारिवारिक मामला है। हाँ जी, वो तो पारिवारिक मामला, हर मामला है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पूरे बिहार का है, पारिवारिक। वो तो पारिवारिक मामला है, महिलाओं का वोट मिलेगा तेज प्रताप को? जी, हम लोग तो वोट देवे करेंगे। अच्छा, अगर इस सीट से तेज प्रताप के खिलाफ जदयू से ऐश्वर्या राय खड़ी हो जाएंगी तो कौन जीतेगा? तेज प्रताप के, तो हम लोग तो तेज प्रताप के देंगे, ऐश्वर्या राय को नहीं। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। यहीं से है, महुआ से? बस, बिल्कुल महुआ से। कैसा लगते हैं तेज प्रताप यादव? क्या तेज प्रताप कैसे लगेंगे, उनको तो राजनीति को ये है नहीं, आते कहाँ है वो? आते ही नहीं है क्षेत्र में, बिल्कुल नहीं आते। अच्छा भैया, अभी कुछ लोग बता रहे थे बिजली बहुत कटता है आपके यहाँ। बिल्कुल कटता है। कितना देर कटता है? वो पता ही नहीं, कभी होता है कि कभी यहाँ तार टूट गया, माने हमेशा समस्या ही समस्या बिजली का रहता है। झूठों के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरे बिहार में बिजली फैला दिए, लेकिन बिजली का स्थिति महुआ में तो इतना बदतर है जिसका कोई वर्णन नहीं। देखिए, अभी भी बिजली कटा हुआ है, जरा कैमरामैन साहब दिखाइएगा, देखिए दिखाइएगा उस दुकान में, देखिए वहाँ बिजली कटा हुआ है अभी। बिजली तो की समस्या हमेशा रहती है महुआ में, कभी भी कर दिया, रोज अगर फोन कीजिए, पदाधिकारी को भी फोन करने के बाद कहते हैं क्या यहाँ ये हो गया, बिहार में यहाँ हो गया, फोन करने के बाद फोन का कोई माने नोटिस नहीं लेते, कोई नोटिस। वो स्थिति है यहाँ की। आपके जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दावा करते हैं बिजली दिया उन्होंने 15 साल में, भी 24 घंटे बिजली नहीं, नहीं। दावा तो बहुत चीज का करते हैं, दावा शिक्षा विभाग का देख लीजिए ना, शिक्षा विभाग का स्थिति वह बदतर कर दिए कि कल एडमिशन समाप्त हुआ है लड़का का, पैसा का स्थिति दयनीय है कोरोना काल में, और कल से फिर आपको 4 दिन पहले से ही एडमिशन समाप्त हुआ नहीं और रजिस्ट्रेशन बच्चा का स्टार्ट कर दिए, कहाँ से गरीब आदमी पैसा लाएगा? कोरोना की स्थिति में खाने का स्थिति खराब है, इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि एडमिशन हुआ, भाई बच्चा 11th में है, पहले रूल था कि बच्चा जब 12th में जाता था तब बच्चा का रजिस्ट्रेशन होता था,
जब बच्चा 12th में जाता ठीक है, सरकार इस पे फेलियर है शिक्षा पे, मान लेते हैं बिल्कुल फेलियर। महुआ विधानसभा के बारे में बताइए, 5 साल में तेज प्रताप ने कितना बदला इस विधान। देखिए विधानसभा की बात है तो रोड उड के काम हुआ है, महुआ में एक अच्छा चीज मेडिकल कॉलेज मिला, ये अच्छी बात है। नीतीश जी के सिरे से हो या तेज प्रताप के सिरे से हो, अपनी मुख्यमंत्री बिहार सरकार में नीतीश कुमार है तो हम लोग कहेंगे कि भाई हाँ चलिए, तेज प्रताप भी कहते हैं कि मेरे सिरे से हुआ है, किन्हीं के सिरे से हुआ, महुआ के एक बहुत अच्छा चीज मिल गया है जो लोगों के हित में बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए विधायक के तौर पे 10 में कितना अंक दीजिएगा आप तेज प्रताप को? अंक की क्या बात है, विधायक तो यहाँ इससे पहले भी थे, वो भी कामयाब नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदर राम कैसे थे, वो भी यहाँ से विधायक रहे? देखिए विधायक जो भी होते हैं वो तो यहाँ छोड़ के पटना धो लेते हैं, जमीन पे काम करने वाले तो लोग कोई है नहीं, है नहीं। चलिए क्या ठीक, लोग ऐसा विधायक चाहिए जो जमीन पर काम करे, जमीन पे आए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद मोहिउद्दीन। मोहम्मद मोहिउद्दीन, ये बताइए चाचा विधायक का नाम पता है आपको अपने? महुआ से विधायक कौन है? महुआ के विधायक तो अभी है, क्या नाम है, लालू यादव के बड़े पुत्र। हाँ जी, उस पार्टी से हैं जो पार्टी MOI समीकरण लेकर बिहार में चला करती है। हाँ जी, कैसा काम किए हैं तेज प्रताप इस क्षेत्र से? नहीं अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किए हैं, क्या क्या अच्छा काम कर दिए? अच्छा काम किए हैं जैसे कॉलेज दिए जी, इसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा सड़क कैसा है? कब्रिस्तान को जो है वो सबको बाउंड्री करवाए हैं, और कुछ मंदिर में भी कुछ काम करवाए हैं, रोड में भी काम करवाए हैं। इस तरह से हम देखते हैं मिला करके यहाँ पे ऐसे काम हुआ है। सदर अस्पताल कैसा है आपका, सड़क कैसा है, बिजली कटता है आपके यहाँ? बिजली तो कटता है लेकिन फिर भी पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है, पहले 24 में 23 घंटा कटता था, अब 24 में 16 घंटा ही बिजली कटता है। चलिए ठीक है भैया, आप इधर आइए। देखिए इनका चाय का दुकान है यहाँ पर, इनसे बात करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि स्थानीय लोग हैं ये। आपका व्यापार है भैया चाय का? जी भैया। चलिए विधायक आपके तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, कौन सा लुक उनका सबसे पसंद आता है आपको? कभी शिव जी बनते हैं ना? जी बनते हैं, कभी हो जाते हैं, कभी शंख बजाते हैं, कभी कृष्णा जी हो जाते हैं। हाँ हाँ, कौन सा अच्छा लगता है आपको? हमको तो दोनों में से कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तेज प्रताप नॉर्मली अच्छे लगते हैं आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे अच्छा लगता है? व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे नहीं लगता। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या आपकी? ना ना, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमको। काम कैसा किया आपके विधानसभा में? काम तो एक मेडिकल कॉलेज लाए हैं, एक अच्छा काम किए। हाँ, और क्या पता है। सदर अस्पताल कैसा है आप लोग की तरफ? सदर दबा रहता है, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं समय पर? हाँ रहते हैं। चलिए सड़क तो आपका ठीक है, और अंदर का सड़क कैसा है, जलजमाव का समस्या? जलजमाव का समस्या तो बाढ़ है तो अभी रहेगा ही। हाँ, बाढ़ के अलावा नहीं रहता है? बाढ़ के अलावा तो नहीं रहता। कितना अंक दीजिएगा भैया आप तेज प्रताप को उनके काम के लिए? 50%। 5 नंबर दीजिएगा 10? हाँ 5 नंबर। इस बार किसका माहौल बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर, कौन जीतेगा, NDA की महागठबंधन? ये बात हम नहीं बता सकते। अच्छा नहीं बता सकते, ठीक है कोई बात नहीं। और क्या नाम हुआ भैया आपका? अखिलेश राय। ठीक है, विधायक कौन है आपके? तेज प्रताप था पहले। अभी कौन है? तेज प्रताप था पहले तो खत्म अभी, अभी, अभी नहीं है, अभी तो अलग से चल गए हैं। तो कहाँ चले गए? वो सुनते हैं समस्तीपुर जिला में। हाँ, हसनपुर सीट। अच्छा, जानकारी है आपको? जानकारी कैसे नहीं रहेगा, हम लोग का विधायक था यहाँ का। विधायक था नहीं, अभी भी विधायक हैं। अभी भी विधायक हैं। देखिए जागरूकता देखिए, इन्हें पता है कि तेज प्रताप क्यों, आप लोग क्यों उनको नाराज कर दिए, क्यों जा रहे हैं तेज प्रताप? वो अपने जा रहे हैं, हम कल नाराज करेंगे उनको? आखिरकार किन कारणों से ये छोड़ दिए इसे? कभी भी तो अवे नहीं किया, बिना काम के अवे नहीं करते हैं यहाँ पर। जीते तैया से हो या वो काम के, महुआ छतवाड़ा मेडिकल कॉलेज बड़ा दिए। वो मेडिकल कॉलेज जो तेज प्रताप ने यहाँ पर दिया, जैसा वो कहते हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी मानी जाएगी इस क्षेत्र में। और क्या क्या काम किया है? अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है, गांधी चौक पर देखे चिक्कन चाकन रोड सब है, यही सब है, और क्या है अभी। चलिए ठीक है, क्या नाम, क्या नाम हुआ आपका? शिवदयाल नाम। शिवदयाल, आप महुआ से हैं? महुआ से। विधायक कौन है आपके? तेज प्रताप। आपको पता है आप लोग सीट वो अपना बदल रहे हैं, जा रहे हैं वो समस्तीपुर में लड़ने, सीट छोड़ दिए हैं। सीट छोड़ दिए? हाँ। अब तो जनता आप लोग हैं, आप लोग को तो पता होगा ना, तो पूछना होगा। अच्छा, आते हैं कि नहीं आप लोग के क्षेत्र में? आते हैं। कैसा काम किए हैं? ठीक किए हैं। कितना अंक दीजिएगा, 10 में कितना नंबर काम के लिए दीजिएगा? काम के लिए 10 में तो है जो 50 से तो ज़्यादा पड़ेगा, 5 से 6 नंबर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं हम, और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी लोगों से हम बात करेंगे। महुआ विधानसभा है, तेज प्रताप यादव का विधानसभा है। क्या नाम हो चाचा आपका? अरविंद राय। अरविंद अरविंद, ठीक है।
विधायक आपके तेज प्रताप यादव हैं जी। कैसा काम किए हैं क्षेत्र में? काम ठीक है किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है। मेडिकल कॉलेज का तो चर्चा खूब हो रहा है यहाँ पर, सब लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा बताइए कितना बार घूमने आए हैं क्षेत्र में? हम तो एको बार नहीं देखे हैं। एको बार नहीं देखे हैं। अच्छा, इनके पहले जो विधायक थे NDA से थे रविंद्र राय, वो कैसा काम किए थे? नॉर्मल नॉर्मल। देखिए महुआ जो है वो थोड़ा साफ सुथरा भी हमें दिख रहा है, सड़क भी अच्छी है यहाँ पर, अमूमन बाकी विधानसभा से मिला जुला के ये ठीक लग रहा है। किस विधायक का ये देन है, शिवचंद्र राम का, रविंद्र राय का या फिर तेज प्रताप यादव का? क्या बताइए, आपको तो बाल भी पका हुआ, आपको तो पता होगा, आप देख रहे हैं विधानसभा को लंबे समय से। दोनों में से कोई विधायक का आप अति नहीं है। अच्छा, इससे पहले वाला जो थे ना उन्हीं का काम किया हुआ है सब। अच्छा, ये लोग नहीं पहले से ही किया हुआ है? पहले से ही, सब पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, कितना अंक दीजिएगा आप तेज प्रताप को उनके काम के लिए, 10 में कितना अंक दीजिएगा? 10 में 1 देंगे। ये बताइए नीतीश कुमार और बीजेपी में इस बार, मतलब जदयू और बीजेपी में मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए? ऐसे नीतीश का होना चाहिए, बीजेपी का नहीं। बीजेपी 15 साल से छोटा ही भाई बना हुआ, छोटा ही भाई बना रहेगा। नीतीश काम ठीक कर रहा है, नीतीश होना चाहिए, ठीक कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहना है? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। एक और सवाल, क्या नाम हुआ भैया जी? मेरा नाम MDF सर। यहीं से हैं आप, महुआ से? जी नहीं, मेरा घर हुआ सिमरवारा, मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं, इसमें आप लोकल हैं यहाँ के, ठीक है। तेज प्रताप यादव कितना बार आए हैं आप लोग से मिलने, कैसा काम किए हैं, सड़क कैसा है, सब क्या व्यवस्था है? सड़क का व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ आए एक बार भी नहीं इधर मिलने, जनता से, जनता किस हाल में है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं उनको। जी तेज प्रताप जी, आपसे ये सवाल कर रही है महुआ की जनता कि आप इनसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, नेतृत्व करते हैं इनका, प्रतिनिधित्व करते हैं इनका, गायब क्यों हैं विधानसभा से? सीटी बदल ली है, अब तो जा रहे हैं वो लड़ने हसनपुर से समस्तीपुर, जहाँ उनका मर्जी जहाँ से लड़े। हमको थोड़ी ना रोक सकते हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए, आपका मर्जी। और आप बात कर रहे हैं सड़क का ना, तो मेरा घर यहाँ से हुआ 10 किलोमीटर अंदर गाँव में, वहाँ के चलिए आपको दिखाते हैं सड़क का स्थिति, वहाँ का क्या है सड़क का स्थिति, इतना तक गड्ढा पड़ा हुआ है। अच्छा, सड़क इधर खराब है, हम लोग जिस रूट से आए हाजीपुर से, ये सड़क तो अच्छा है, ये सड़क सही है। आप चलिए ढाई चल गए सिमरवाला चौक तक, सड़क आपको मिले, स्थिति क्या है सड़क का स्थिति या नहीं, सबको मिलेगा आपको सड़क एकदम खराब हाल है सड़क का। सड़क बदहाली का भी मुद्दा सामने आ ही गया, यहाँ से कौन सा गाँव बता रहे हैं भैया? सिमरवारा। सिमरवारा जो है 10 किलोमीटर है, गड्ढों में सड़क है, मतलब 15 साल में नीतीश कुमार से सड़क भी नहीं, कुछ नहीं बना, बीच में इलेक्शन था कुछ थोड़ा मोड़ा काम हुआ है, सिर्फ इलेक्शन के लिए काम हुआ थोड़ा बहुत बड़ा, कि बस गाड़ी आना जाना कर सके, बाड़िया गाड़ी और ताई भर काम हुआ, अब जाके देखिए बारिश हुआ है, पूरा कादो वादो हो गया। चलिए, इस बार किसकी सरकार बन रही है, महागठबंधन की NDA गठबंधन, इसका हमको नहीं पता सर, किसका बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ क्या माहौल है, यहाँ का क्या माहौल है? बोले यहाँ का मतलब नहीं पता, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा घर। ठीक है, क्या नाम हुआ भैया आपका? राकेश कुमार। यहीं से हैं आप महुआ से? नहीं, हम अलग का है, महुआ विधानसभा में ही घर पड़ेगा। ठीक है, तेज प्रताप यादव आपके विधायक हैं? तेज प्रताप यादव। अरे मेरे को नहीं मालूम कुछ भी। विधायक तेज प्रताप यादव है ना? नहीं मालूम मेरे को। आपको भी नहीं पता कि विधायक कौन है? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, देखिए महुआ की जनता है, तेज प्रताप यादव यहाँ पर आते नहीं है, मिलते नहीं है, लोगों से ये शिकायत की है, क्या कारण है तेज प्रताप के यहाँ से गायब रहने का, और क्या कारण है कि वो हसनपुर यानी कि समस्तीपुर जिले का जो विधानसभा सीट है उससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सड़क बदहाल है यहाँ का। पर एक बड़ी उपलब्धि जो तेज प्रताप यादव की है वो यहाँ पर जो नया कॉलेज खुलवा रहे हैं उसे लेकर जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है। अब बने रहेगा HS बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।